शीर खुरमा ने दिलों में भी मिठास खोल दी। मीठी ईद का जलवा ही कुछ ऐसा रहा। लोगों ने शनिवार को ईदगाह में ईद की नमाज अदा कर गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। मुबारकबाद देने का सिलसिला देर तक चलता रहा। मुस्लिम समुदाय ने ईद उल फितर हर्ष और उल्लास के साथ मनाया। बिलाल नगर बाबा की पहाड़ी पर जामा मस्जिद के इमाम साहब नईम अख्तर ने ईदगाह मैदान पर सुबह 10 बजे ईद की खास नमाज अदा की गई। नमाज के लिए बड़ी संख्या में बच्चे, युवा और बुजुर्ग ईदगाह मैदान पहुंचे। अधिकांश लोग सफेद लिबास में नजर आए। शहर काजी नईम अख्तर साहब ने नमाज अदा कराई। इस दौरान सैकड़ों सिर एक साथ झुके और जब दुआ के लिए हाथ उठे तो सब ने घर परिवार के साथ देश में अमन चैन और खुशहाली की दुआ की। ब्लॉक कांग्रेस ने ईद मिलन समारोह रखा। इसमें बतौर मेहमान कांग्रेस के पूर्व कृषि मंत्री एवं क्षेत्र विधायक सचिन यादव, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शेरू यादव, पार्षद प्रतिनिधि पप्पू सोनी मौजूद थे। ईद उल फितर पर गंगा जमुनी तहजीब पर हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय दिया गया। सुबह से बच्चों ने पहले ईदी ली और उसके बाद शीर खुरमा का लुत्फ उठाया। दिन भर मुबारकबाद देने वाले लोगों की मेहमान नवाजी का दौर चलता रहा। उनका भी स्वागत शीर खुरमा से ही किया गया। कसराबा थाना प्रभारी पुष्करण मुबैल अपनी टीम के साथ ईदगाह मैदान पहुंचे। वहीं तहसीलदार भी पटवारियों के साथ ईदगाह मैदान पहुंचे, जहां ईद की नमाज के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। ईद की नमाज अदा की गई और देश के लिए अमन चैन की दुआ मांगी गई। आज ईद का दिन है, ईद उल फितर पे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ईद उल फितर पे यही संदेश देना चाहेंगे कि मज़हब इस्लाम जो है ना, वो अमन, सुकून और चैन का पैगाम देता है। हमारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यही पैगाम दिया कि आप जिस मुल्क में हैं आप उसकी वफ़ादारी करें, जिस देश का आप नमक खाते हैं उसकी वफ़ादारी करें और अपने पड़ोसियों का हक अदा करें और भाईचारे के साथ, अमन के साथ मुल्क हिंदुस्तान में आप रहें। आज इस धार्मिक पर्व ईद के पर्व पर मैं सभी हमारे कसरावद के जो हमारे मुसलमान भाई लोग हैं उनको मैं ईद की तहे दिल से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देना चाहता हूं। और अभी तक जो हमारी व्यवस्था लगी है, पर्याप्त व्यवस्था लगी है जिससे कि किसी प्रकार का भी कोई ये नहीं हुआ है। और जब तक कि ईद का पूरा त्यौहार नहीं ख़त्म होता तब तक हमारी व्यवस्था लगी रहेगी। सभी को बहुत बहुत बधाई हो। देखिए, आज के इस पावन उत्सव पर मैं समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को ईद की बहुत सारी दिली मुबारकबाद देना चाहता हूं और साथ ही साथ समस्त हमारे लोगों को परशुराम जयंती की और अक्षय तृतीया की भी ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई देना चाहता हूं। और हमारा क्षेत्र ऐसे ही उन्नति करता रहे, हमारा देश आगे बढ़े, उन्नति करे, तरक्की करे, यही हम सब लोग दुआ और प्रार्थना करते हैं।